पुतिन की आईसीसी के किसी सदस्य देश की ये पहली यात्रा है। आईसीसी ने यूक्रेन में युद्ध अपराधों के आरोप में लगभग 18 महीने पहले पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। यूक्रेन ने मंगोलिया से पुतिन को गिरफ्तार करने और हेग के अदालत को सौंपने की अपील की। दूसरी ओर पुतिन के एक प्रवक्ता ने पिछले हफ्ते कहा था कि क्रेमलिन इस यात्रा को लेकर चिंतित नहीं है। मंगोलिया कम आबादी वाला देश है, वो ईंधन और बिजली के लिए रूस पर निर्भर रहता है। मंगोलिया रूस के साथ 2100 मील की सीमा साझा करता है। मंगोलिया मॉस्को के साथ स्थिर संबंध बनाए रखने की कोशिश करता है। सत्तारूढ़ मंगोलियाई पीपल्स पार्टी और रूस के बीच मजबूत संबंध रहे हैं। ये रिश्ता एक सदी से भी अधिक पुराना है, जब पीपल्स पार्टी ने सोवियत रेड आर्मी के समर्थन से मंगोलिया के समाजवादी गणराज्य की स्थापना में मदद की थी। 1990 में मंगोलिया की लोकतांत्रिक क्रांति के बाद भी मंगोलियाई पीपल्स पार्टी और रूस के बीच संबंध मधुर बने हुए हैं। मंगोलिया की आजादी और स्वतंत्रता की लड़ाई में रेड आर्मी के 10,000 से अधिक सैनिकों और कमांडरों ने अपनी जान दी थी। एक पश्चिमी राजनयिक ने कहा था कि मंगोलिया सरकार ने पुतिन की यात्रा के पीछे अपना तर्क समझाने के लिए पश्चिमी दूतों को बुलाया। इनमें रूस से ईंधन और बिजली की अधिक आपूर्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता भी शामिल थी, ताकि देश में पिछली सर्दियों जैसी कमी हुई थी वो फिर से ना हो। राजनयिक ने कहा कि मंगोलियाई अधिकारियों से कहा गया वे पुतिन को जंग का प्रचार करने के लिए मंच ना दें। यूक्रेन पर हमले के बाद से पुतिन दुनिया में अलग थलग हो गए हैं। वो पिछले महीने उत्तर कोरिया और वियतनाम के दौरे पर गए थे। वहीं पिछले साल वो दो बार चीन के दौरे पर गए थे। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुए ब्रिक्स सम्मेलन को भी उन्होंने ऑनलाइन अटेंड किया था। ब्रिक्स का हिस्सा साउथ अफ्रीका भी आईसीसी का सदस्य देश है। अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद आईसीसी के सदस्य देश आरोपी को हिरासत में लेने के लिए बाध्य होते हैं। रूस रोम संविधि का पक्षधार नहीं है, इसलिए क्रेमलिन ने पुतिन पर आईसीसी वारंट को अमान्य और शून्य बताकर खारिज कर दिया है। हाल ही में इसने हेग स्थित अदालत में शामिल होने का प्रयास करने वाले सहयोगियों पर निशाना भी साधा था। आईसीसी में शामिल होने के आर्मेनिया के फैसले ने पिछले साल मॉस्को और उसके बीच तनाव को बढ़ा दिया था। हालांकि आर्मेनिया अधिकारियों ने तुरंत रूस को आश्वस्त करने की कोशिश की कि देश में प्रवेश करने पर पुतिन को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आईसीसी के प्रवक्ता फादी अल अब्दुल्ला ने एक बयान में कहा कि मंगोलिया आईसीसी रोम कानून का सदस्य देश है और इसलिए उसे अदालत के साथ सहयोग करना चाहिए। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देशों विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।